नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से गठित स्पेशल टास्क फोर्स ने जोधपुर जिले में बालेसर के सिहादा में चल रही अवैध कपड़ा धुलाई इकाई पर औचक कार्रवाई करते हुए सील किया। एसटीएफ के इंचार्ज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील के पवार ने बताया कि मौके पर करीब 270 थान कपड़े के पाए गए। कपड़े धुलाई का केमिकल युक्त गंदा पानी खुले में खेत में छोड़ा जा रहा था। वेटनरी यूनिवर्सिटी के संघटक वेटनरी महाविद्यालयों में सेशन 2020-21 में बीवीएससी एवं एएच पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आरपीवीटी 2020 परीक्षा 20 सितंबर को जयपुर सहित बीकानेर व उदयपुर के 54 सेंटर्स पर होगी। परीक्षा एक पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र में एंट्री सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक दी जाएगी। समन्वयक आरपीवीटी प्रोफेसर हेमंत दाधीच ने इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से जनता से किए जा रहे वादों को पूरा करने की मांग की गई। यह प्रदर्शन भाजपा शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, कार्यक्रम प्रभारी व जिला महामंत्री महेंद्र मेघवाल व पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ सहित कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद जोधपुर में मंडोर थाना इलाके के एक होटल में उज्बेकिस्तान की एक युवती कमरे में मिली। एसीपी राजेंद्र प्रसाद दिवाकर ने बताया कि महिला पर्यटक 3 माह पहले भारत आने वाली अंतिम फ्लाइट से आई थी। वह लॉकडाउन में फंस गई। जून में उसके वीजा की अवधि समाप्त हो गई। वह 7 सितंबर को जोधपुर आई और होटल में रुकी। पुलिस को पता लगा तो मौके पर पहुंची और सीआईडी को रिपोर्ट दी। राजस्थान के 12 जिलों को सिंचाई और पेयजल पानी उपलब्ध कराने वाली प्रमुख नहर प्रणालियों को पानी आपूर्ति करने वाले बांधों की स्थिति अभी ठीक नहीं है। बरसात के सीजन में बांधों में पानी एकत्र किया जाता है। अभी तक तीनों प्रमुख बांध भांकड़ा, रंजीत सागर और पोंग बांध करीब 20% से अधिक खाली पड़े हैं, जबकि जल संसाधन विभाग की ओर से जल भराव की अवधि 20 सितंबर तक है। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को दर्जन भर लोगों ने फोन कर धमकी दी है। व्हाट्सएप के जरिए भी बेनीवाल को भद्दे मैसेज देते हुए धमकियां दी गई। बेनीवाल ने बताया कि फोन यूपी एमपी सहित प्रदेश के बाड़मेर, जालोर, अजमेर व जोधपुर से आए हैं। उन्होंने गुरुवार शाम तक का समय दिया है। उनकी मांग है कि लव कुश संस्थान में एक बच्ची को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया जाए। जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉ. समित शर्मा ने राजीव गांधी सेवा केंद्र के संभाग के जिला कलेक्टर्स व चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से कोविड तैयारियों, व्यवस्थाओं व रेफर व्यवस्था के बारे में जानकारी ली व आवश्यक निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने कहा कि संभाग के अन्य जिलों से गंभीर श्रेणी के मरीजों को ही जोधपुर रेफर करें। जोधपुर शहर विधायक मनीषा पंवार ने उम्मेद अस्पताल को विधायक कोष से एम्बुलेंस भेंट की। इसके बाद वरिष्ठ चिकित्सकों से अस्पताल के विकास के लिए चर्चा की। विधायक पंवार ने विधायक कोष से एम्बुलेंस भेंट कर उसका उद्घाटन किया एवं चिकित्सकों से चर्चा कर चिकित्सालय में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग की ओर से इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन टूरिज्म सेक्टर अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार के मुख्य वक्ता हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के यूजीसी एंड एचआरडी डायरेक्टर प्रोफेसर डीडी शर्मा ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में वर्चुअल पर्यटन जैसी कोई अवधारणा नहीं होती। श्री महावीर जैन नवयुवक एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के तत्वाधान में जोधपुर के पावटा स्थित महावीर उद्यान में पूर्व विधायक कैलाश बंसाली के विधायक कोष से नवनिर्मित इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। इस दौरान संत चंद प्रभ सागर महाराज के सानिध्य में जैन विधि विधान व मंगल मंत्रोच्चार द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष की सत्र 2019-20 की बकाया परीक्षाएं 21 सितंबर से आयोजित की जाएगी। वहीं अब ये परीक्षाएं 3 की बजाय 2 घंटे में ही ली जाएगी। कुलपति प्रोफेसर पीसी द्विवेदी की अध्यक्षता में अधिष्ठाता एवं निदेशकों के साथ आयोजित बैठक में यह निर्णय किया गया। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीसी द्विवेदी की अध्यक्षता में छात्रावास अधीक्षकों की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि सामान्य संकायों के छात्रावास पीजी यूजी के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 16 सितंबर से खुलेंगे। इनमें परीक्षार्थी परीक्षा की अवधि के दौरान रहेंगे तथा परीक्षा समाप्त होते ही दूसरे दिन उन्हें छात्रावास खाली करना पड़ेगा।
जोधपुर नगर निगम में मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए गठित कमेटी की बैठक उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय दलवीर सिंह डुढाडा की अध्यक्षता में हुई। इसमें 16 मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने का प्रस्ताव पारित किया गया। जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा शुक्रवार को बाड़मेर जाएंगे। इस दौरान वे जिले में कोविड-19 प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा बैठक समेत विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। संभागीय आयुक्त डॉक्टर शर्मा 11 सितंबर को प्रातः 10 से 11 बजे तक जिले में कोविड-19 प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। वे प्रातः 11 से दोपहर 12 बजे तक मुख्य सचिव द्वारा ली जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा लेंगे। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अगस्त अक्टूबर के ई ऑक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत विवेक विहार आवासीय योजना के भूखंडों की नीलामी निरंतर जारी है। JDA को ई ऑक्शन से 2 दिवस में 2,35,00,000 से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। जोधपुर के कायलाना पंप हाउस एवं सुंदरपुरा फिल्टर हाउस में अति आवश्यक रख रखाव एवं साफ सफाई के कारण जोधपुर शहर में 13 सितंबर को जलापूर्ति बाधित रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त के अधीक्षण अभियंता JS मेहता ने बताया कि जोधपुर शहर के सभी क्षेत्रों में 13 सितंबर को की जाने वाली जलापूर्ति 14 को तथा 14 को होने वाली सप्लाई 15 को की जाएगी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा 2019-20 के लिए राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को महाराणा प्रताप एवं गुरु वरिष्ठ पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जोधपुर के जिला खेल अधिकारी गोविंद सिंह परिहार ने बताया कि महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पिछले 3 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।